अब तक किसी को ये नहीं पता पड़ा कि क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अब इन रोटियों को इधर कोनी चले गए किससे अगर सुबह सुबह ठीक से काम नहीं होता है। इस पूरी को कह दिया कर, अब इसे 30 साल से अपने हाथों से खाना खिलाते आई, अब भी खिला दिया करोगे? अब तेरा भी तो दोष नहीं, तो रोटी आधी कच्ची आधी जली हुई है। खाना खा लिया? ठीक है ठीक है। और सुन, मेरा खाना लगा, थोड़ा सा खा लूं तो सो लूं। अब एक ही पाप बचा है, इस अकेले से तेरा क्या पेट भरेगा, तो अपने लिए और खाना बना ले। ये घूर घूर के क्या देख रही है, अपने बेटे का खाती हूं? खाना तेरे मायके से तो नहीं आया था? माँ जी, आप ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या मतलब? आखिर वो मेरे पति हैं, मैं आपके और उनके बीच दीवार तो नहीं? जो क्या क्या चाहती है, मैं तेरे और उसके बीच दीवार बनी बैठी हूँ? माँ जी नहीं। बाहर से कैसी बोली बनी बैठी रहती है जैसे कुछ जानती नहीं, और अंदर से ये सब सोचती है। बस बस बहुत हो चुका, आप तुम लोग अलग हो जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और अगर उसे ये घर नहीं छोड़ना तो इस घर में या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। आने दे उसे, आने दे, फिर से तुझे मायके न भिजवा दिया तो मेरा नाम नहीं, तो रोटियां क्या खा ली, तो दीवार बना दिया। अब तू मुझे उठा ले, एक बार तो हार फेल हो चुकी, अब दूसरी बार करवा ले। हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं छूंगी, मैं चली। माँ अपने आप को संभालना, मैं डॉक्टर को अभी लेके आता हूँ। नहीं रे, अब तू मेरे पर और पैसे मत खर्च कर, अब मैं इस जग से चली। वैसे भी क्या रखा है इस जग में, जहाँ दो रोटियां खाओ तो लोग घूरते हैं। जी लेकिन बस बस, अभी नाटक कंपनी बंद कर, आखिर तू अपने मायके से लाई क्या थी, जो बात बात पर आंख दिखाती है, मुंह फुला कर बैठी रहती है। साल भर से तेरा बाप कहता है स्कूटर बेचता हूँ, स्कूटर बेचता हूँ, स्कूटर तो क्या, तीन पहिए की साइकिल तक नहीं भेजी आज तक। माजी माजी, अगर ये बात है तो आप ही लिख दीजिए ना। अच्छा तो बुरी मैं बनू, वो वहां लखनऊ में मोटर में सैर करे और दामाद यहाँ बस में धक्के खाए। बेटा या तो तू मुझे हरिद्वार पहुंचा या इसे लखनऊ। नहीं माँ, लेकिन तू इस हालत में कहाँ जाएगी? तुझे जरा भी ख्याल नहीं, माँ दिल की मरीज है तू। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। शट अप, तुम अपना सूट केस पैक करो, मैं कल सुबह तुम्हें पहली गाड़ी से लखनऊ रवाना कर दूंगा। ओ बेटा, मेरी सेहत थोड़ी बेहतर हो रही है। हाँ माँ, मैं नहीं जाऊंगी लखनऊ, मेरी सेहत फिर बिगड़ रही है। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती लखनऊ। बेटा स्कूटर, और तुम तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी ट्रेन में ससुर जी स्कूटर ना भेजे। पिताजी। एनफ, सूटकेस पैक करो। नहीं, मैं कहता हूँ अभी निकलो इसी वक्त, जीना हराम कर दिया तुमने। माजी, आप... अरे बेटा ऐसा जुल्म मत कर, आप इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। नहीं माजी, माजी प्लीज समझाइए। मैं कहता हूँ ये किस्सा मैं आज खत्म कर ही रहूंगा, ये रोज रोज की अशांति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अरे अशांति, मेरा मतलब है शांति, भगवान से डर। मियां बीबी के झगड़े हैं, उसमें मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं, आग लगाकर दूर खड़ी देख। हे भगवान, ये मुझ जैसी माँ को कब समझेंगे? अब तो तुझे वही समझेंगे, समझी? तो ये केस है जी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं 2 बार ऑलरेडी इस हाल में मैके जा चुकी हूँ, और इस बार सासू माँ का कहना है कि अब अगर आना है तो स्कूटर पर बैठकर ही आना है। जी हाँ, अब आप ही बताइए
इस अनजान शहर में मैं कहाँ घूमती रहती, मैं दिन भर भटकती रही, बाहर आपका बोर्ड पड़ा तो यही एक चारा नजर आया। प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए प्लीज। फिक्र मत करना, सासू माँ हरिद्वार जाकर ही रहेगी। यानी मैं फिर उस घर में रह पाऊंगी? आप उस घर में जरूर रह पाएंगी, चाहे वो उस घर में रहे या न रहे। चलो मेरे साथ। अरे माँ जी, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पिताजी कैसे? अच्छे हैं। उनका जोड़ों का दर्द बिल्कुल बरकरार है, बहुत अच्छे हैं। बैठिए प्लीज। क्या खाएंगे बताइए? भाई मेरा तो पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी दुबली हो गई? कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? नहीं माँ जी, आज भूख नहीं थी। भाई ये क्या बात हुई, तू खाएगी तो मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी। ये सास बहू का इतना ज्यादा प्यार देखकर मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ ये सास बहू को जरा दूर दूर ही रखना चाहिए, कभी कभार मिले तो प्यार है, वरना तकरार ही तकरार है। ये भी बस क्लीशे लाइनें बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि कल कुछ दुकान वुकान चली या नहीं? जी मेरा मतलब है कोई ग्राहक आया, दुखी हैरान परेशान? आया नहीं, आई। कोई नया केस? हाँ, सास और बहू का। ये लो माँ, आपके आते ही। उसकी सास और उसके पति ने उसे घर के बाहर निकाल दिया था। अरे अरे अरे, तो तुमने क्या एक्शन लिया? मैं उसे लेकर उसके घर गई। वेरी गुड। वहाँ फॉर्मूला 24 इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी सास और उसके पति ने उसके घर की दहलीज तक नहीं लांघने दी। उसका पति तो उसे लखनऊ की गाड़ी पर चढ़ाने पे हमारा था। तो तुमने क्या किया? एक ही रास्ता था उसका घर उसे वापस दिलाने का, 498A। What? और कोई रास्ता ही नहीं था विनोद। लेकिन तुमने कम से कम मेरे वापस आने तक का तो इंतजार कर लिया होता। लेकिन मैं पूछती हूँ, ऐसा हुआ क्या? माँ जी, मैंने उसकी सास और पति को जेल करवा दी, उसको मेंटली हैरेस करने की और उससे दहेज मांगने के जुर्म में। लेकिन तुम तो जानती हो कि हम हर केस कितने प्यार और एहतियात के साथ सॉल्व करते हैं। हाँ लेकिन हर बार नहीं, और मैंने उनसे बात की, लेकिन उसके पति से ज्यादा तो उसकी माँ आमादा थी उसको घर से बाहर निकालने पे। देखा माँ, या मैंने पीठ दिखाई नहीं कि ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई? जी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। अब देखो, जो तुमने कानूनी तौर पर करना था तुमने कर लिया, अब चलो हमारा कुछ इंसानी फर्ज भी बनता है, ताकि कल को ये समस्या पूरी तरह खत्म होने के बजाय और बढ़ न जाए। ठीक है, लेकिन ठहरो, मैं पहले माँ जी के लिए नाश्ता बनाता हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं बना लूंगी, तू जा तू जा जा जा। यहाँ से कोई निकालो, मुझे निकालो यहाँ से, मेरा दम घुटा जा रहा है, हार्ट फेल हो जाएगा सचमुच। अब ये तो बहू से बुरा बर्ताव करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। माँ जी खाना। तू अब जले पे नमक छिड़कने आई है क्या? ये तू पूछ रही है, हमें अंदर करवा कर। देखिए कानून कानून है, आपने जो कुछ भी किया गैर कानूनी था। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए माँ जी, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आप साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें सिर्फ ये बताइए कि आपका आगे का क्या इरादा है। सोच समझ कर बताइएगा, क्योंकि आगे क्या होगा ये आपके इस जवाब पर निर्भर करता है। यानी हम छूट सकते हैं? ये आपके बहू पर है। बहू? मेरी बेटी, मुझे बचा ले। बचा ले तो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ वादे करने होंगे। कर लिए। मुकर जाएगी। आप चुप रहिए, बीच में बड़बड़। जी इन पर तो गुस्सा कर सकती हूँ ना, ये तो पति है। जी नहीं। थैंक यू वेरी मच बेटी, थैंक यू। अच्छा अच्छा, अब तो निकालो। एक मिनट गीता, तुम्हें कुछ पूछना है? जी वो स्कूटर की बात तो आप भूल जाएंगी ना, मेरे पिताजी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। स्कूटर के लिए तो उन्होंने कहा था। हम मजाक में कहा होगा, तो भूल गई मैं। तो फिर ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट वापस ले ली जाए। ये ले बेटी। क्या माँ जी? बस तेरे लिए बना के लाई थी कुछ, दिखा ले। आपने क्यों तकलीफ की? आप हमारे यहाँ आएंगे, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आप भी खाइए, मैं और बनाऊंगी। अरे नहीं बेटी, तू आराम कर, बता और क्या खाएगी? तू क्या करेंगे? नहीं माँ जी। मां मुझसे भी तलक पूछ लो। तू चुप कर, मैं चाहती हूँ तेरे लिए। हाँ नहीं माँ जी। अच्छा ठीक बेटी, अगर हमारे बीच कुछ ऐसी वैसी बात हो ना तो मुझे साफ साफ बता देना, कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लेना। हाँ क्यों कह रही है माँ जी? बस ऐसी एक बात थी, कह दे, याद रखना। हाँ अच्छा।
न जाने क्यों मिसेस माथुर, मगर मेरे अंदर एक आवाज कह रही है कि हिस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर माथुर, मेरे अंदर भी एक आवाज कह रही है कि अब गीता की सास और उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेलो, जी हाँ है, आप कौन बोल रही? नाम तो बताइए। अच्छा एक मिनट, आपके लिए किसका फोन है? नाम नहीं बता रहा। हेलो, कौन? आई सी। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि आप 10 बजे दफ्तर में आ जाइएगा। ओके, ऑल राइट। मैंने कहा था ना मिसेस माथुर, ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर चावला हमसे दफ्तर में 10 बजे मिलने आ रहे हैं। मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये केस आप लड़ें। ये अचानक तलाक की बात कैसे आ गई? मिस्टर माथुर, अगर इन्होंने आपको और आपकी माँ को लॉकअप में बंद करवाया होता और आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई होती तो आप क्या करते हैं? वेल, अगर आप तलाक ही चाहते हैं तो एक मिनट, मेरा ख्याल है इस केस के बारे में हम आपस में कुछ बातें करना चाहेंगे। क्यों मिस्टर माथुर? यस, ओके। ऐसा है मिस्टर चावला कि आप बाहर वाले कमरे में कुछ देर इंतजार करिए, हमारी डिस्कशन खत्म होते ही हम आपको अंदर बुलवा लेंगे। जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ठीक करवा लेंगे, क्योंकि उस दिन हमें लॉकअप से रिलीज कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। थैंक यू, थैंक यू। कहिए क्या कहना चाहती हैं? आप क्या सोच रहे हैं? इस केस में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सुलह मुमकिन नहीं। मेरा यही ख्याल था। सही था कि आपका ये ख्याल होगा। मतलब सुलह तब नामुमकिन हो जब आपस में कोई मतभेद हो। यहाँ तो सिर्फ अपने घायल अहंकार की वजह से मिस्टर चावला अपनी बीवी को तलाक करना चाह रहे, ये भी कोई ग्राउंड से डिवोर्स के? जी नहीं, कुछ और भी वजह है, जैसे कि इनकंपैटिबिलिटी, उनकी माँ की तबीयत का खराब होना। आगे ना माँ पर, उस बात को कभी नहीं भूल सकते। हाँ भाई, वो बेटे हैं अपनी माँ के, इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है? आप कभी औरत के नजरिए से इस केस को देखेंगे? आप देखिए ना मर्द के नजरिए से इस केस को, उस बेचारे मर्द के नजरिए से जो फंसा हुआ है अपने माँ और बीवी के बीच में। और मैं आपको बता दूं, हम मिस्टर चावला की तरफ से ये केस जरूर लड़ेंगे। हम नहीं, आप लड़ेंगे। मतलब मैं गीता की तरफ से लड़ूंगी। क्या? हाँ, एंड आई विल मेक श्योर कि उसे डरा धमका कर म्यूचुअल कंसेंट से मिस्टर चावला डिवोर्स हासिल नहीं कर पाए। तो ठीक है, लड़िए। मैं भी देखता हूँ आप इस तलाक को होने में कैसे रोक सकती हैं। अरे छुट्टी कर दूंगी आपकी कोर्ट में। तो ठीक है, अब इस केस को लेकर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इस केस के शुरुआत में ही मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहूंगा। एक तो यह कि यह तलाक की पिटीशन मियां बीवी के बीच इनकंपैटिबिलिटी, मेंटल टेंशन और पिटीशनर के मां और पिताजी की हैरेसमेंट की बिना पर दर्ज की गई है। योर ऑनर, हैरेसमेंट मां और पिता की नहीं बल्कि लड़की की हुई है, ये रहा उसका सबूत। कुछ दिन पहले मैंने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी, जिसके कारण पति और मां को लॉकअप में भी रखा गया था। ये रहा उस FIR का जेरोक्स कॉपी। योर लॉर्डशिप, जैसे कि आप अच्छी तरह जानती हैं, आज कोई भी बहू थाने में जाकर अपने इन-लॉज के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट लिखवाए तो उसके इन-लॉज को इमीडिएटली लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, फिर चाहे वो कंप्लेंट सही हो या गलत। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे लर्नेड फ्रेंड ने कोई गलत कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन हैरेसमेंट उतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी थी कि सेक्शन 498A IPC का सहारा लिया जाता। योर लॉर्डशिप, मेरे फाजिल दोस्त ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक मेजरिंग टेप रखा जाए, जिससे कि ये नापा जाए कि हैरेसमेंट कितनी हुई है और उसके मुताबिक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की जाए। प्लीज मिस्टर एंड मिसेस माथुर, अगर आप दोनों लड़ पड़े तो इस कोर्ट में एक और केस आ जाएगा और वो हम चाहते नहीं। क्यों? प्रोसीड मिस्टर माथुर। योर लॉर्डशिप, मैंने बेसिक फैक्ट्स तो बताई दिए हैं। मेरी कोशिश ये थी कि ये तलाक म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए,
लेकिन इन्होंने मेरे मुवक्किल की बीवी को भड़काया कि उन्हें ये केस कॉन्टेस्ट करना चाहिए। ये इल्जाम तो मैं इन पर भी लगा सकती हूँ कि इन्होंने मिस्टर चावला को शय दी कि उनका तलाक लेने का ख्याल सही है। योर लॉर्डशिप, अगर मुझे बीच बीच में टोक कर इनकी ये कोशिश है कि मैं कुछ बोल ना पाऊं तो ठीक है, पहले ये बोल ले। जी नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ठीक है लॉर्डशिप, मैं तो सब कुछ कह चुका हूँ, अब मुझे और कुछ है नहीं कहने के लिए, आप बोलिए। शुक्रिया। योर लॉर्डशिप, मैंने गीता चावला के रिटन पिटिशन में इनके स्टेटमेंट का जवाब देते हुए जो कहा है उसे दोहराते हुए कहूंगी कि ये किस्सा है एक माँ का अपने बेटे के साथ बेहद प्यार का, ऐसा प्यार जिसके फलस्वरूप बेटा शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पत्नी के साथ एक रिश्ता कायम नहीं कर पाया। अरे ये क्या कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बीच में नहीं बोलेंगी। योर लॉर्डशिप, मैं बताती हूँ ये तलाक की मांग क्यों की गई है। जैसे कि योर लॉर्डशिप, कोई माँ अगर अपने बच्चे को किसी गलती की सजा देना चाहे तो बच्चा गुस्से में माँ से बदला लेना चाहता है। जैसे कि वो घर का कोई फूलदान तोड़ देता है या बाथरूम का नलका खुला छोड़ता है, उसी तरह चावला साहिब और उनकी माँ उनको लॉकअप में बंद करवाए जाने का बदला लेना चाहते हैं तलाक देकर। इसलिए मैं कहूंगी कि तलाक के ये ग्राउंड्स बिल्कुल बचकाना और बेमानी है। मैं फिर भी कहूंगी कि आप दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाकर बात कीजिए, शायद कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन हो। अगर यो लॉर्डशिप इंटरवीन करे तो हम आपके चेंबर में दोनों पार्टीज को मिलवा सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे मुवक्किल सेटलमेंट नहीं चाहते हैं, मैं बात कर चुका हूँ। मैं मिसेस गीता चावला की तरफ से एक पिटीशन फाइल करना चाहूंगी। किस संबंध में? दहेज मांगने की, और मैं चाहूंगी कि इन्हें इस जुर्म की पूरी सजा मिले। नहीं, हमने दहेज नहीं मांगा, इसके पिताजी ने कहा स्कूटर। कोर्ट में बात करना मना है, अगर तुमने कोर्ट में झूठ बोला तो ये एक और जुर्म होगा। आप तो चुप रहिए। मैं चुप नहीं रहूंगा, अगर मुझसे पूछा गया मैं तो साफ साफ बता दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप चाहते हैं जेल चले जाएं? तुम्हारा क्या मतलब है, जो हरकत तुम लोग दोनों कर रहे हो उसके लिए जेल तो बहुत छोटी सजा है। मैं क्या करूं? किन झंझटों में हमें फंसाया? झंझट में मैंने फंसाया आपने, गीता की आपसे नहीं बनती। अरे यहाँ बात करना मना है, अगर आप लोगों को बात करना है तो बाहर जाकर बात करिए। इस सबसे छुटकारा दिला दो हमें। सुलह करवा दीजिए। आई होप यू कैन मेक अप योर माइंड मिस्टर चावला। सुलह करवा दो, सुलह करवा दो, सुलह करवा दो। सोच समझ कर कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। व्हाट्स द मैटर मिस्टर माथुर? मेरे क्लाइंट सेटलमेंट के लिए तैयार है। हाँ जी कहिए, पहले कौन बोलेगा? मेरा ख्याल है जिसे सबसे ज्यादा शिकायत है वही पहले बोले। हम क्या कहें, कुछ कहेंगे तो जेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अजय हम तो डर चुके हैं। आप डरी हुई हैं, ये बेचारी डरी हुई है, फिर डरा कौन रहा है? जब से मैं जेल हुई है इस लड़की ने हमें डरा रखा है। देखिए मिसेस चावला, जहां तक मुझे आपका केस समझ में आता है तो वो उस इंसान का है जो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ बैठा है, तो इसमें रस्सी का तो कोई दोष नहीं। माँ जी, माँ जी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे गलत न समझिए। ऐसी देखा करती थी कि सारे शरीर में कंपन दौड़ जाती थी। मुझ पे यूं तोहमत न लगाइए माँ जी। तो ऐसे देखती थी जैसे इस वक्त देख रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे देखती थी तू। देखिए मिसेस चावला, हम यहाँ हर रोज मियाँ बीवी की समस्याओं को देखते हैं सुनते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी बहू एक सुंदर सुशील और घरेलू सी बहू है। आप सब मिलजुल के रहिए ना, यही मैं चाहती हूँ और कोर्ट भी। लेकिन योर लॉर्डशिप, सवाल ये उठता है कि क्या ये अपनी बहू को अपने साथ रखना चाहती है? मैं यहाँ जरा दखल अंदाजी करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। यहाँ तो भगवान के लिए चुप रहिए। नहीं रहूंगा। जज साहिबा, काश कोई ऐसा कोर्ट होता जहां आदमी जाकर अपने पे हो रहे बीवी के जुल्म सुना सकता। हमारा बेटा खासा अच्छा है, अगर उसके कोई कान भरता है तो ये कभी प्रेम से और कभी क्या उसे कहते हैं ब्लैकमेल से। हाय मेरा हार्ट फेल हो गई, मेरी हार्ट फेल हो गई। अरे फेल तो तू हो गई मां के कर्तव्य में। इन दोनों की अच्छी खासी जिंदगी है, हमेशा जाकर उसमें आग लगा देगी। और अगर मेरे बेटे का कोई कसूर है तो वो सिर्फ इतना कि वो बुद्धू सिचुएशन को समझ नहीं सकता और हमेशा अपने माँ के अमर प्रेम के गुण गाता रहता है। ये बहुत सारे हिंदुस्तानी मर्द करते हैं। देखिए माँ जी, बात सिर्फ इतनी सी है, घर में जब बहू आ जाती है तो सास ये क्यों समझती है कि घर में कोई कॉम्पिटिशन आ गई है या मैदान में कोई दुश्मन उतर आया है।
जिस घर में आपकी बेटी गई है उस घर की सास ऐसा समझे तो, या उसका पति उसे तलाक देना चाहे तो? हैं? तो गीता भी किसी की बेटी है, वो आपसे आपका बेटा छीनने नहीं आई है, उसका घर बसाने आई है। हाँ, लेकिन लेकिन किसी लेकिन का सवाल ही नहीं उठता अगर आप इस बात को समझ जाए तो। बल्कि मेरा आपसे और दुनिया की तमाम सासों से ये मशविरा है कि एक बार आपका बेटा बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो उसकी जिंदगी में बिल्कुल दखल न दीजिए। उसे अपनी पत्नी के साथ सुखी रहने दीजिए और आप अपने पति के साथ खुश रहिए। लेकिन एक बात बताइए, बेटा तो हम इसलिए पैदा करते हैं ना कि बुढ़ापे में वो आपका ख्याल रखे, रखवाला हो घर का। तो मैं आप जैसी माओं से पूछूंगी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और जान को इस दुनिया में लाना क्या ये मातृत्व को शोभा देता है? खैर, अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बातें इनकी समझ में आ गई हैं। क्यों मिसेस चावला जी? कहिए मिस्टर माथुर, आपको तो लग रहा था कि ये बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे। आई एम सरप्राइज्ड यू नो, क्योंकि आप तो तलाक के खिलाफ रहते हैं। जी नहीं, मुझे तो पता था कि सुलह हो ही जाएगी। जी well, ये ना सही, लेकिन क्या है कि मैं भी तो अपना एक रोल कर रहा था इस ड्रामे में, वो भी तो जरूरी था इनके मिलने के लिए। हाँ, दरअसल बात कुछ समझ में नहीं आई कि इस बार मैं इस झांसी में आ कैसे गया। मैं समझाती हूँ, माँ का सवाल था ना, और जहाँ माँ बीच में हो वहाँ बेटा माँ की तरफदारी करेगा ही, बीवी को दोषी ठहराएगा ही। हाँ, ये कुछ हिंदुस्तानी मर्दों का प्रॉब्लम है। बेटी, जीती रहो बेटी, जीती रहो। मिसेस माथुर, शट अप।